कोई दर मिले जो दर दे दिल की दवा दे। आप इससे कहें कि मुझसे बात ना करें, वैसे भी हर जगह रुस्वा करने का इसने ठेका उठा रखा है। तुम्हारे लिए मैंने यूएस छोड़ दिया, अपने शोहर को छोड़ दिया, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं? क्या हुआ बताएं भी। अरसलान ने अकबर को 15 लाख रुपए दिए। शुक्र है मेरी कॉल तो रिसीव की तुमने, वरना मेरे ऑफिस जाने के बाद तो भूल जाती हो तुम मुझे। क्या बात है सामिया, सब ठीक तो है? सामिया जवाब दो मुझे, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे किसी को रोना नहीं आता, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे आपकी याद आ रही थी। मैं तुमसे कौन सा दूर हूँ सामिया, शाम में आ जाऊंगा घर। अरसलान आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सामिया, समंदर के पानी से भी ज्यादा, पहाड़ की ऊंचाइयों से भी ज्यादा। अरसलान प्लीज आप फुरकान और लुबना का रिश्ता होने से रोक दे। अच्छा चलो, शाम में मैं घर आता हूँ तो फिर बात करते हैं इस बारे में। खुदा हाफिज। ओके बाय। किससे बात हो रही है? घर से कॉल थी। घर से या घरवाली से? मैंने तुम्हें काम असाइन किया था, क्या स्टेटस है उसका? एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, बीच में बेचारा फंस गया अरसलान। एंटरटेनमेंट कम और काम ज्यादा, बोलो तो लिख के लगा दूं? आपने कह दिया, मैंने मान लिया। गर्मी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वाकई बहुत गर्मी थी। अरे आप लोग कहाँ गए थे? तुम्हें बताया तो था कि एक फौतकी में जाना है, वहीं से होके आ रहे हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ भाई। अभी आप थक गई, मैं तो आराम करने जा रहा हूँ, आप करें बातें। जाएं जाएं आराम करें आप। तुम्हें क्या हुआ है, बिला वजह मुस्कुराए जा रही हो? सामिया होती ना इस वक्त तक तुम्हें पागल करार दे चुकी होती। अम्मी बहुत खुशी की खबर है, अगर आपको भी बताऊंगी ना आप खुश हो जाएंगी। अच्छा खैरियत? वो फुरकान का फोन आया था, वो बता रहा था कि उसके घर वाले मान गए हैं। वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा है तुम्हारा रिश्ता तय हो, खानदान वालों के मुंह बंद हो जाए। अभी तुम्हें पता है फौतकी में क्या हुआ? तुम्हारे अब्बी की एक कजन मिल गई थी शमसा ने, उसे भी तुम्हारा रिश्ता टूटने की बात बता दी। अम्मी एक तो ये शमसा पप्पू पता नहीं क्या चीज है, अपने आप को ऐसा समझती है जैसे पता नहीं अमेरिका की कोई सदर हो। मतलब वैसे इनके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं था और अब लोगों को पकड़ पकड़ के हमारी बातें बता रही है। मिले तो सही मुझे जरा एकदम, फिर मैं पूछूंगी। अपने वक्त में तो बड़ा साइड से निकल गई थी, तब बताती ना लोगों को कि मेरे बेटे ने पसंद की शादी की है और मैंने अपने भाई की बेटी के रिश्ते को इनकार कर दिया। दफा करो, हमें क्या लेना देना उनसे। तुम ये बताओ वो लोग रिश्ता लेके कब आ रहे हैं? आप
ये तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन अम्मी अब वो मान गए ना तो रिश्ता लेके भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तुम्हारे अम्मी को खुशखबरी सुना के आती हूँ। हाँ भाई दूल्हे मियाँ, शादी की तैयारियां हो रही हैं। कहाँ तक पहुंचा रिश्ता तुम्हारा? हाँ भाई, बस समझे कि आप लोगों ने अब रिश्ता लेके जाना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये मम्मी पे क्या पड़ के फूका तुमने ऐसा कि इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए मान गई वो? भाई मोहब्बत करने वालों को ना मंजिल मिल ही जाती है, जैसे आपको मिली अब मुझे मिलने वाली है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। ये भाभी को इस रिश्ते से क्या मसला है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसे ऐसा लगता है कि दो बहनों का एक ही घर में रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक को कुछ होता है तो उसके इफेक्ट दूसरे पर भी आते हैं ना। ये भाभी की सोच 1900 वाली कब से हो गई? उनसे बोले बेफिक्र हो जाए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस इस वीकेंड पे फ्री आना, हमने रिश्ता लेके जाना है। आज मम्मी तीसरी दफा रिश्ता खड़ा करेंगी और इंशाल्लाह लास्ट टू टाइम्स की तरह ये भी पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह। चलो चलो कैरी ऑन। या कहाँ जा रही हो भाई? वैसे हर वक्त मुझे याद करती रहती हो, अब आया हूं तो भाग रही हो क्यों? शौहर को याद नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें रोता देखकर काफी परेशान हो गया था मैं। अच्छा मान जाओ ना, अब तो आ गया हूं मैं। अच्छा तुम्हें पता है फुरकान लुबना को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लुबना का भी यही हाल है। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो सामिया? पता नहीं, शुरू दिन से मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते को लेकर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सामिया? लुबना तुम्हारी छोटी बहन है और बहुत अच्छी दोस्त भी, देखना वो इस घर में आएगी उसके बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, देख लेना। तुम इस तरह मत सोचो, तुम देखना वो दोनों बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जल्दी से जाके खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम पता है आज मैंने लंच भी नहीं किया। आपने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। हाँ नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, जाओ जल्दी लगा दो प्लीज। अरसलान वो आपने मम्मी पापा से बात की नए घर की शिफ्टिंग की? तुम परेशान मत हो सामिया, मैं कर लूंगा। संभाल के अब ये भी ना गिरा देना, तुम जैसी फुआ लड़कियां जो है ना वो सिर्फ बर्बाद करती हैं चीजें। और हाँ आज मैं अपने बेटों के साथ बैठकर सुकून से खाना खाना चाहती हूँ, अपनी ये रोंदी शक्ल लेकर ना मेज पर मत आना जी। और हाँ अरसलान पूछे तो कह देना कि मुझे आज भूख नहीं है, मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं अपने बेटों और शौहर के साथ सुकून से बैठकर खाना खाऊं। जी ठीक है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप की खानदान में मजीद रुसवाई ना हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। तुम्हारी बहन तो इस घर में आने वाली नहीं, उल्टा तुम इस घर से अपने घर जाओगी, समझ लो इस बात को।
सामिया तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। अभी तो इसने चाय के साथ बिस्किट और केक खाया है, एकदम कैसे भूख लग सकती है? और वैसे भी ये सब कुछ खा लो तो खाना खाने का दिल नहीं चाहता। जी जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। अरसलान एक बात बताओ, शादी के बाद कुछ सेविंग्स भी की हैं, कुछ बचाया भी है, सब कुछ उड़ा रहे हो? नहीं पापा, हो रही है सेविंग्स। पैसा बड़ी मुश्किलों से कमाया जाता है, उसे संभाल के रखा करो बहुत ज्यादा। अब ऐसा ना हो ना कि कोई तुमसे पैसे मांगे और तुम सखी दिल हो कि मैं सारा पैसा उस पर लुटा दूं। देखो अरसलान, तुम्हारे बाबा तुम्हें जो भी मशवरा देते हैं ना, वो तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, उनकी बात सुना करो। अक्सर नए लोग जो होते हैं ना, हमसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोई अपने रिश्ते की मजबूरी की वजह से, कोई और किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन तुमने किसी की बातों में नहीं आना, ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। वजीर खजाना साहब, अगर आपका बयान खत्म हो गया हो तो खाना खा लें। अम्मी अब आप भी? हाँ बेटा, वो तुम्हारी बीवी का हाथ कैसा है? क्या हुआ उसके हाथ को? उसके हाथ में शीशे का ग्लास चुप गया था। वैसे हैरत है, तुमने ये तो देख लिया कि बहू ने केक और बिस्किट खाया, उसके हाथ की चोट नजर नहीं आई तुम्हें? आ रहा हूं। मजाल है जो सामिया अरसलान को अपने माँ बाप के साथ सुकून से बैठने। हाथ में चोट लगी, बताया भी नहीं। छोटी मोटी चोटों का क्या बताना। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों लगी, लेकिन ये जरूर करूंगा कि आज के बाद नहीं लगनी चाहिए। जी। ऐसे क्या दिख रही हो? खाना नहीं खाया, मुझे खाओगी? मैं कोई आदम खोरू जो आपको खाऊं? ऐसे हंसती रहा करो, अच्छी लगती। ना खुद खाना खाया है और ना मियाँ को खाना खाने दिया। अब देखना 11 बजे रात को बाहर से खाना ऑर्डर हो रहा होगा। जब सुबह उठो ना तो डस्टबिन में जो खाली डब्बे पड़े होते हैं ना, उससे पता चलता है कि रात कितनी पार्टी हुई है। मम्मी क्या हो गया आपको? भाई को पिज्जा और बर्गर पसंद है, शादी से पहले वो लेट नाइट ऑर्डर करते थे। बस अब फर्क ये है कि पहले हमसे पूछ लेते थे, अब शादी के बाद नहीं पूछते, इसमें बुराई क्या है? तुम लोगों को एतराज किस बात पर है, लेट नाइट खाना मंगवाने पर या तुम्हें ना पूछने पर? फुरकान, गलत बात। अब बच्चों की तरह हंसी मजाक बंद कर दो बेटा। जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब, इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ मेरी जल्दी से शादी करवा दो। मम्मी हम लोग ना के घर कब जाएंगे? बात सुनो, आज रात ना मेरा आखिरी इस्तखारा है, जो भी बात निकल कर आएगी तो मैं बता दूंगी। मैं भारत, मैंने लुबना को बता दिया कि हम उसके घर रिश्ता लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे फुरकान की शादी ना बड़ी धूमधाम से होगी, अरसलान की तरह नहीं, दो छुआरे बांटे और बहू को ले आए। अच्छा चलो, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से आ जाओ। अरसलान पहले आप मेरी बात सुनो, आपने बाबा से बात की शिफ्ट होने की? नहीं यार, पता नहीं पापा क्यों आज पैसों के बारे में मुझसे कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, जैसे मुझसे कुछ सुनना चाह रहे हो। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हमने जो अकबर भाई को पैसे दिए थे
तुमने उसके बारे में पापा को तो नहीं बताया? नहीं यार सलाम, मैं ऐसी बात क्यों बताऊंगी? चलो छोड़ो, फिर मेरा वहम होगा, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, फुरकान की शादी के बाद हम लोग फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा कोई बहाने नहीं चलेंगे, आ जाओ आज जल्दी से खाना खाते हैं। क्या कर रही हो बेटा? जवेरिया का फोन आ रहा है तो फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? पता है मम्मा, मुझे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा किसी से भी बात करने का। फोन उठाकर उससे बात तो कर लो। मुझे समझ में नहीं आता फरिया, तुम्हारी सुई आकर अरसलान पर क्यों अड़ जाती है? पता नहीं, शायद क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। मैं भी नहीं। आपका और उसका क्या मुकाबला है मम्मा? आप तो मेरी वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम है। तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती बेटा? तुम्हें अंदाजा नहीं है फरिया कि कल मैं कितना डर गई थी। मेरी तो एक एक सांस तुम में अटकी होती है मेरी जान, लेकिन तुम, मैं तो अरसलान के अलावा कुछ नहीं देखता। वो है तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं क्या करूं मम्मा, वो मेरे हवासों पे ऐसे बुरी तरह छाया हुआ है, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती उसके अलावा। फरिया मैं तुम्हारी अब वहशत और जुनूनियत से डर जाती हूँ, पता नहीं तुम क्या करोगी। नहीं मम्मा, मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं कभी अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आई प्रॉमिस्ड, मैं नहीं पहुंचाऊंगी। कल जो सब हुआ वो क्या था? वो तो बस अरसलान को अपने पास बुलाने का एक तरीका था। खुदाया मैं इस लड़की का क्या करूं, इसे किस तरह समझाऊं कि अपनी जिंदगी जाया कर रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरी अरसलान से शादी करा दें, फिर सब सही हो जाएगा। खुद को संभालो बेटा। हयात साहब, जब से उठी हूँ दिल घबरा रहा है मेरा। बेटियां याद आ रही हैं क्या? नहीं, बेटियों से तो तकरीबन रोज ही बात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कुछ होने वाला है। अल्लाह की बंदी, अभी फजर पढ़ के बैठी हूँ, हाथ में तस्वीर है तुम्हारे, तो ये गलत गलत ख्यालात क्यों आ रहे? पता नहीं क्यों आ रहे हैं, अल्लाह करे मेरा वहम हो। इंशाल्लाह वहम ही होगा। वो आज सामिया को फोन करके तो पूछो कि वो लोग कब आ रहे हैं। फिर भी हमसे रिश्ता खत्म करवाने की तो इतनी जल्दी थी, और अब ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी ऐसे हयात साहब, सामिया ठीक कहती है, एक घर में दो बहनों का ब्याह ना दुरुस्त नहीं है। क्यों भूल जाती हो तुम कि ये हमारे बच्चों का फैसला है, हम तो सिर्फ उसे एक अमली जामा पहना थे। सही कह रहे हैं। फुरकान आ गया? सुबह 8:30 बजे का निकला हुआ है कोर्ट के लिए, आज हियरिंग थी उसकी। शुक्र है भाई, अब देखना जैसे ही घर आएगा मेरी शक्ल देखते ही मुझसे कहेगा इस्तखारे का क्या हुआ। तो इस्तखारे का क्या हुआ भाई? इनकार, साफ इनकार। किस चीज का इनकार? वो इस्तखारा में तो ना आया है, पता है मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो बेहतर यही है कि तुम आप लुबना को भूल जाओ। मम्मी मैं पहले से जानता था, सिर्फ आप अपने दिल की तसल्ली के लिए सखारा कर रही थी। मैं बहुत पहले फैसला कर चुका हूं कि मैं शादी करूंगा तो लुबना से, और हम उसके घर पे रिश्ता लेके जा रहे हैं।
ना का मतलब होता है ना। इस्तखारा में ना आया है ना। अरे भाई मैं तो पहले से राजी थी ना, लेकिन अब इस्तखारा में ना आ गया तो मैं भला तुम्हें कैसे मशवरा दे सकती हूँ शादी करने का। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वहाँ उन्होंने लुबना का रिश्ता खत्म कर दिया हमारी वजह से। हम उसके घर पे रिश्ता लेके जा रहे हैं बस। फुरकान, तनीज से बात करो। अभी माँ से बात कर रहे हो तुम। ना है तो इसका मतलब ना है, और आज के बाद इस मौजू पे ना कोई बात होगी ना कोई बहस। आप दोनों ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, अब तुम हमें ठीक और गलत के माने समझाओगे? क्या देखा तुमने इस दुनिया में? भी एक बात कान खोल के सुन लो, लुबना का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। एंड दिस इज फाइनल। और एक बात आप दोनों दिमाग में बिठा लें, मैं जिंदगी में सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन लुबना को नहीं। और लुबना की खातिर मुझे किसी को छोड़ना पड़ा ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। चलो भाई, जरा इस बात का बम मैं जरा अपनी बहू पे गिरा दूं। सामिया, 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 वो फुरकान से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं, फुरकान से तो मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हैरत है। वैसे तो फुरकान आजकल मम्मी मम्मी से ज्यादा भाभी भाभी कहने लगा है। क्यों, कोई बात हुई है क्या? भाई होना क्या था, आज मेरा आखिरी दिन था ना। मुझे इस शादी के हवाले से कुछ मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा है, तो हम तो भाई फुरकान की शादी लुबना से नहीं कर सकते। मम्मी ये आप क्या बात कर रही हैं? आपने पहले मुझे खुद ही तो भेजा था कि जाके अम्मी अब्बी से बात करो। अब तो वो पहले वाला रिश्ता भी खत्म कर चुके, तो अब आप मना कैसे कर सकती हैं? मैंने कर तो दी थी। हाँ, अब तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात सही, लेकिन फुरकान के चक्रों में मैंने उसकी खुशियों के चक्रों में अपने अरमान का गला घोंट तो दिया था बस, लेकिन अब नहीं हो सकती। मम्मी, मेरे माँ बाप ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे? उन्हें इन सब बातों से बहुत दुख पहुंचेगा। पहले रिश्ता टूटने पर भी खानदान की बहुत बातें सुनने को मिली हैं। भाई ये तो लुबना को फुरकान से चक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है। लेकिन खैर है, तुम एक काम करो ना, अपने माँ बाप से कहो कि वो लड़के के माँ बाप से जरा हाथ पांव जोड़ें, थोड़ा गिड़गिड़ाएं, मान जाएंगे बोलो। अभी भी देर नहीं हुई, बात करके देख लें। लुबना, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, वेट करो, ठीक है? ओके, बाय। मुझे शादी के हवाले से कुछ मुस्बत जवाब आना था, तो हम फुरकान की शादी के हवाले से कुछ तो हम फुरकान की शादी लुबना से नहीं कर सकते। क्या हम तो बर्बाद हो जाएंगे बेटा? मुझे लगता है कि मम्मी मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे और अरसलान को कबूल नहीं किया। और तुम्हारे अम्मी तो ये सदमा सह ही नहीं सकेंगे। अगर अब मम्मी नहीं मानी ना तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी की ना
तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अपनी सास को बोलो कि तबस्सुम आ रही और वो आकर खुद बात करेगी। आप या वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोलो अपनी सास को, बात करनी है मुझे उनसे। प्लीज आप यहाँ से चली जाए, अभी ये टाइम नहीं है सही। मैं क्यों चली जाऊँ? तुम्हारी सास मेरे माँ बाप की इज्जत को दुनिया भर में उछालती फिर रही है और मैं चुप रहा हूँ। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बदतमीजी है, हमारे घर में घुसकर इस तरह से शोर शराबा क्यों लगाया हुआ है तुमने? अच्छा अब आप बताएंगी मुझे कि तरीके कार क्या होते हैं जिंदगी के? आपको खुद को तरीके आते हैं? पहले एक लड़की का बना बनाया रिश्ता आपने खत्म करवा दिया, उसके बाद इस्तखारे की आड़ में अपने किए हुए रिश्ते से मुकर गई। तो जब इस्तखारा में ना आया है तो मैं क्या करूं, जबरदस्ती करूं? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप के कनपट्टी पे मैंने गन नहीं रखी है कि वो वहां जाके मना कर। तुम्हारी बहन के तो वैसे ही बाहर बहुत चक्कर चल रहे हैं, लड़का भी उसने फंसाया है तो अपने से 2 साल छोटा। खबरदार जो मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे और तुम्हारी बहन से बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। बड़ी वाली ने मेरे बड़े बेटे को फंसाया है और छोटी ने छोटे वाले। मुझे तो शक होता है कि पता नहीं किस खानदान से तुम लोगों का ताल्लुक है। बस कर दो फातिमा, बस कर दो। ऐसे किसी के खानदान भी कीचड़ नहीं उछालते। मुझे इन पर कीचड़ उछालने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये तो वैसी कीचड़ में लिपड़ी चुपड़ी औरतें। खबरदार जो हमारे खानदान पे उंगली उठाई मुंह तोड़ के रख दूंगी। आप प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाए। क्यों भेज रही हो अपनी आपा को? जरा अरसलान को आने दो, देखने दो उसको ये तमाशा। आने दो उसको, एक एक बात बताऊंगी मैं और कहूंगी कि तुम्हें तलाक दे और अपने घर भेज। अरे आपकी इतनी हिम्मत है कि मेरी बहन की तरफ उंगली उठाए? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप हो जाओ तुम दोनों, जानवरों की तरह लड़ रही हैं। वसीम इसको कमरे में ले जाओ। मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, निकालना है तो इन लोगों को बाहर निकालें। अब माजरत, आप नाराज ना हो। आप क्यों माजरत कर रहे हैं? हम इनके नौकर थोड़ी लगे हैं। तुमने अरसलान से 15 लाख रुपए लिए थे और उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां पे खड़े होकर कह रहे हो सॉरी आंटी सॉरी। हिम्मत किस तरह हुई तुम्हारी कि हमारे घर में खड़े होकर हमें बातें सुनाओ? एक दफा कह दिया तुम्हारी बहन से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, निकल यहां से। चलो तुम्हें उस घर जाने की जरूरत क्या थी? तुम क्या ये भूल गई थी कि तुम्हारी एक और बहन वहां पर मौजूद है? ये सब उसी बहन की वजह से हुआ है। अगर वो इतनी मजबूत होती ना अभी तो आज मेरी और मेरे शौहर की बेइज्जती करवाने की नौबत नहीं आती। 24 घंटे वो उस घर में रहती है। अगर चाहती ना अम्मी तो अपने मामला अंदर ही अंदर हल कर सकती थी, लेकिन नहीं, सारी जिंदगी अपनी सास के कंधों पे बंदूक रखकर चलाती रही और यहां आके वावेला क्या मचाया कि एक ही घर में 2 बहनें नहीं बहानी चाहिए। देख ले आप। उस बेचारी पे इल्जाम क्यों दे रही हो? जानती नहीं हो उसकी सास कितनी तेज है? उसकी सास का हमेशा से ऐसा ही मिजाज था अम्मी। अरसलान ने अपनी शादी के टाइम पर तो बड़ा स्टैंड ले लिया था। अगर चाहता ना वो तो अपने भाई के लिए भी कोशिश कर सकता था। वालिदैन का क्या है, उनकी मर्जी के आगे तो कुछ नहीं कह सकते थे ना।
आपको याद है अभी आप जब सामिया और अरसलान की शादी के लिए नहीं मान रहे थे, मैंने और अकबर ने कितनी कोशिश करके आप लोगों को बनाया था, नहीं? हम भी तो थे ना। यही काम अरसलान भी कर सकता था। अगर वो अपने भाई के लिए कोशिश करता ना, तो आज उनकी शादी हो सकती थी। और सामिया की सास की हिम्मत नहीं थी कि वो चूं भी करती। तुम्हारी बात में वजन है, और सामिया ने बर्मला इस रिश्ते की मुखालफत भी की थी, मगर अगर वो चाहती तो ये रिश्ता हो सकता था। लेकिन अब करना क्या है? मुझे तो खानदान का सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं। शमसा तो बातें सुना सुना के मार डालेगी। अरे भाई, हमने अब क्या करना है? जो भी करना है सामिया ने करना है। मैं अपनी इस बेइज्जती के लिए सामिया को कभी भी माफ नहीं करूंगी। अभी बेटा बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना। लाहौल विला कि ये चलन होता है शरीफ खानदानों का, रिश्ते से इनकार किया था ना। अगर उनको कोई एतराज था, कोई मसला था, तो अपने वालिदैन को यहां भेजते। हम बड़े आपस में बैठते, बातचीत करते, मसले का कोई हल निकाल लेते। मतलब ये क्या बात हुई कि एक शादीशुदा लड़की इस घर में आती है, बदमाशों की तरह चीखती है और चिल्लाती है। अगर उसकी जगह मेरी अपनी बेटी होती ना, तो जमीन में गाड़ देता मैं। क्या निराले ढंग है तुम्हारे ससुराल के। शाबाश। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने ऐसा क्या किया है? इस्तखारा ही किया है ना। और क्या लोग रिश्तों से मना नहीं करते? लेकिन क्या आगे से ये रवैया होता है? और तुम्हारी बीवी, उसको चाहिए था कि जाके अपनी अपनी बहन को रोकती कि तुम मेरे ससुराल में खड़े हो कि किस तरह से बदतमीजी कर रही। लेकिन नहीं, उसको तो खड़े खड़े मजा आ रहा था तमाशा देखने का। अरसलान इसलिए क्योंकि उसने कभी भी मुझे अपनी सास नहीं समझा और इस घर को अपना ससुराल नहीं समझा। बात सुनो, अगर तुम्हें शक है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये बैठी है तुम्हारी दादी सामने, पूछो इनसे। अम्मी जान, आप बताइए ना, क्या तबस्सुम ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की? बोलिए। वैसे बेटा, तबस्सुम का लहजा ठीक नहीं था। देख लिया, सुन लिया ना, तो आ गया होगा यकीन। देख लिया, सुन लिया ना, यानी उस लड़की ने अम्मी जान की मौजूदगी का भी लिहाज नहीं किया। और क्या सुनना चाहते हो तुम? अब करना क्या है? करना क्या है, क्या मतलब है? जाओ जाके अपनी बीवी को बोलो कि वो अपने माँ बाप से कहे कि आए और हमसे माफी मांगे। और उसकी बहन तबस्सुम, उसका तो कयामत तक मेरे घर में आना जाना अभी बिल्कुल बंद। और एक बात, उसका जवाब भी चाहिए मुझे। क्या तुमने अकबर को 15 लाख रुपए दिए थे? सच बताना मुझे। आपको किसने बताया? सामिया ने, और किसने? तो उसके मुंह से निकल गई बात। अब तुम जाके सामिया से पूछोगे तो वो मना कर देगी, बोलेगी कि मैंने तो नहीं कहा। जी अम्मी जी, देख रही ना आप सब कुछ, कितना अंधा एतमाद था आपको हयात फैमिली पर, उल्टा हमें जलील करके रख दिया उन्होंने। इतनी बड़ी रकम बेटा तुमने माँ बाप से मशवरा किए बगैर उनको दे दी। और वैसे भी बेटा, पैसे का लेन देन ना रिश्तों में दरार डाल देता है। डाल देता है? अरे डाल दी। हमारी औलाद हमसे छुप छुप के क्या क्या तमाशे कर रही है, क्या बताऊं आपको? भला हम दूसरों से क्या शिकवा करें? I'm sorry, पापा, मैंने तो हमदर्दी में उनकी मदद करने की कोशिश की थी, उन्हें पैसों की शदीद जरूरत थी। इंसान और कुत्ते में एक ही फर्क होता है, कुत्ते को खाना खिलाओ तो वो वफादार हो जाता है, और अगर इंसान को पेट भर के खाना खिलाओ तो वो कार्ड खाने को दौड़ता है। और जिसका अमली मुजाहरा तुम देख चुके हो,
और अपनी माँ के मुंह से भी सुन रहे हो। कितना समझाया था ना तुमको हम लोगों ने, लेकिन नहीं, आखिर तुमने अपनी मनमानी की। अब तुम्हें पता है, तुम्हें देखा देखी वो छोटा भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहा है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है भाई। मैं तो तुमसे अभी भी कहती हूँ, कुछ अक्ल से काम लो, होश के नाखून लो अरसलान। बेटा रुको, बेटा रोको ना, इसे कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे अम्मी जान, जाने देना। अगर आज भी इसने कदम ना उठाया ना, तो ये सारी जिंदगी कोई कदम उठा नहीं पाएगा। अम्मी जी देखें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, जो लग रहा है आपके चेहरे पे थकन के आसार भी है। कमरे में चल के आराम कर ले, गोली खा के थोड़ा सा है। आए, आए, आ जाए ना। ये फुरकान कहाँ रह गया? फुरकान भी रात से नाराज होके निकला हुआ है, आ जाए। दर मिले जो दर्द दे, दिल की दवा दे।